तूने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, ब्रेस के आगे भी नहीं, इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो करवो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। वैसे बच्चू मैं सोच रही आज ऑफिस से छुट्टी कर लूं। अरे बाबा आप ऑफिस जाती कब है जो ऐसी बातें कर रही है? अब ये एक नया मसला है। क्या बाबा ऑफिस जाना? अरे बाबा आप तो हमेशा ही घर से ही काम करती है। अरे मैं उसकी नहीं ये लाइट की बात कर रही हूँ। हाँ बाबा ये तो है। वैसे ये हमारे कमरे में हो रहा है या पूरे घर में? नहीं नहीं बाबा बाकी जगह सब ठीक है, ये सिर्फ लगता है मुझे ये ट्यूबलाइट का मसला है। तो फिर जानी को बोलो कि किसी इलेक्ट्रीशियन को लेकर आए ठीक करे। नहीं बाबा जानी को बोल के इलेक्ट्रीशियन क्यों बुलवाएं, जानी को आराम की तनख्वाह देती हो क्या? हाँ वैसे बात तो सही है। चलो जानी को बोलते हैं। जानी किधर है? तेरा भाई तो सेठों वाली लाइफ गुजार रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल मत पूछ यार। अरे बाबा ये क्या हो रहा है? हेलो हेलो आवाज। अरे आप दोनों एक साथ, खैर तो है, तलाक का फैसला तो नहीं कर लिया गया? जानी कभी तो ढंग की बात क्या करो। अरे बाबा जैसे तुम लेटा हुआ था ना, हम तुम्हारी नौकरी से भी तलाक करा सकता है। ओहो ये बता हुआ क्या? वो ना हमारे कमरे की ट्यूबलाइट जो ना टिमटिमा रही है, चल के जरा वो देख लो। अच्छा चलो। अरे बाबा चलिए क्या उधर किधर जा रहे हैं बाबा, ट्यूबलाइट बाहर थोड़ी लगी अंदर है। हाँ और कमरा भी बाहर नहीं है अंदर है कमरे में, मेरा मतलब है अंदर कमरे में है ट्यूबलाइट। तो इलेक्ट्रिशियन तो कमरे में नहीं है ना, वो तो अपनी दुकान पे होगा, उसको लेने तो बाहर जाना पड़ेगा ना। अरे बाबा इसमें इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की क्या बात है? तो फिर मोची को बुला लो। अरे बाबा एक तो तुम बहस बहुत करता है। क्या करूं मैं क्या करूं, डॉक्टर को बुलाओ, पुलिस बुलाओ, इंजीनियर, क्या करूं मैं? अरे बाबा किसी को नहीं बुलाना, बस तुम कमरे में आ जाओ। मैं अंदर? हाँ बाबा अंदर आओ, अंदर आओ बाबा। हाँ सुना नहीं, चलो जल्दी से अंदर आओ। आ रहा जानी जल्दी से अंदर आओ। आओ बाबा आ जाओ। अरे बाबा जानी तुमने करना ही है बाबा, इस लाइट को पकड़ना है और हिलाना है। ये सब काम मैंने करना। अरे बाबा तुम तो ऐसे घबरा रहे जैसे हमने तुमसे कहा है कि दो बाल्टी दूध दे दो। चलो बाबा ऊपर चढ़ो। ऊपर चढ़ो मैं कुछ छिपकी नहीं जो दीवार पर चढ़ दो। तो क्या इस काम के लिए स्टूल चेयर कुर्सी हम लेकर आएंगे? तो और क्या लाए आप लोग? तुमको है? देखिए सीमा मैडम मैं आपको सच बताऊं, मैंने जिंदगी में कभी ये काम नहीं किया। जानी हमने तुमसे ना तो कोई कत्ल करने के लिए बोला ना ही चोरी। एक मिनट मैं कुछ करता हूँ। अरे बाबा इतना घबरा क्यों रहा है बाबा, कुछ नहीं करना, जो मैं कह रहा हूँ वैसा करते जा। अच्छा हाँ बाबा जाओ सीढ़ी लेकर आओ, जाओ बाबा। अरे बाबा क्या हो गया, तुम तो ऐसे कांप रहे जैसे हमने तुम्हें मीनारे पाकिस्तान पे चढ़ने का कह दिया है। अब बाबा तुमने वो सब कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, अब मेरी तरफ देखो। हाँ बाबा अब चढ़ो ऊपर बाबा चढ़ो, शाबाश शाबाश। अरे बाबा नीचे देखो। बच्चू भाई मैं नीचे नहीं देख सकता, मैं ऊंचाई से नीचे देखता हूँ मुझे चक्कर आने लग जाते। अरे बाबा ये कैसा आदमी है, अगर आपको सब काम आता तो आप क्यों नहीं ऊपर चढ़ जाते? अरे बाबा एक तो मैं मालिक हूँ, दूसरा मैंने सलवार कमीज पहनी। इलेक्ट्रिशियन तो सारे सलवार कमीज में घूमते हैं। जाने ये फजूल बातें छोड़ो और ट्यूबलाइट को हिलाओ। ओहो ये तब तब वाली थोड़ी है, ये दूसरी है। अरे बाबा हाथ लगाओ बाबा, कोयला थोड़ी है, ट्यूबलाइट है, गर्म नहीं है ठंडी है। हाँ बाबा इधर भी मारो शाबाश। इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। होगा होगा बाबा होगा। हाँ बाबा दोबारा मारो। इससे क्या होगा? धमाका। अरे बाबा उसके बाद जल जाएगी। हाँ।
अरे देखा मेरा कमाल, मैंने कर दिखाया। ये लोग कहाँ चले गए? मुझे तो कोई नीचे उतारे। अब नीचे कैसे उतरूंगा? याला मदद करना। आसिमा कैसी लगी आपको? सातवीं बार देख रहा हूँ बाबा। फिर देख रहे हो? आप लोग तो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। अरे बाबा क्या हो गया जानी, तुम्हें ये भी नहीं पता है गधे के सर पे सींग नहीं होते बाबा, भैंसे के सर पे होते। देखा मैं ठीक ही कहता था ना। खैर लाइट तो इतनी जल्दी में ठीक करवाई जैसे कोई कीमती शायद ढूंढनी, और खुद जा बैठे। जानी हमारी मर्जी, हम कहीं भी आके बैठे। हाँ ये भी वैसे बात ठीक है, लेकिन एक बात का तो ख्याल रखना चाहिए था, मुझे ऊंचाई से कितना डर लगता है और आप मुझे वहाँ लटकता छोड़ के यहाँ बैठे हुए। तो तुम ये सोचो कि आज तुमने क्या हासिल किया। क्या हासिल किया? जो तुम खुद सोचो ना। हाँ ये हासिल किया कि बगैर सहारे सीढ़ी से कैसे उतरना चाहिए। चलो अच्छी बात है बाबा, कुछ तो सीखा तुमने जिंदगी में। अच्छा मुझे मूवी दे। हाँ बाबा पॉपकॉर्न खाएंगी। हाँ 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 जानी पॉपकॉर्न भी बनाओ बाबा। ये देखो बाबा कमरे में सीढ़ी छोड़ दी है इसने। जानी हाँ बाबा सब काम छोड़ो। हाँ बाबा इधर सीढ़ी निकालो कमरे से। इसको पैसे किस बात के देती हो आप? अच्छा कोई काम पूरा नहीं करता है, पता नहीं क्यों तनख्वाह का काम करे। उफ अल्लाह कितना शोर कर रहे हैं, मूवी से लेके दे रहे हैं। तनख्वाह क्यों देती हो मुझे ये बताओ? जितने काम ये करता है ना और कोई नहीं कर सकता। ये देखो अभी तोड़ेगा बाबा सारी चीज। पागल है क्या? और सुनाओ शहरयार भाई कैसे हो, काम कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह यार मालिक का एहसान है। तुम तो खुश नसीब हो, तुम्हें तो मालिक बहुत अच्छे मिले। अबे यार कब्र के हालात मुर्दा ही जानता है, जाएं अपना काम करें। यार नाराज क्यों हो रहे? मैं तो एक बात कह रहा हूँ। आइए 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 आइए। सीमा कहाँ है? मेरे पास रखवा के गई थी क्या? हाँ अंदर है, थोड़ी देर में आती होंगी। मुझे मतलब उसे बता दिया तुमने? हाँ बता दिया। झूठ मत बोलो, कब बताया? अच्छा आप क्यों मजाक कर रही हैं? आपने मुझे यहाँ से जाने तो दिया नहीं है। अच्छा अच्छा बातें मत बनाओ, जाके बता दो उसे कि मैं आई हूँ। अच्छा ठीक है मैं जाके बता देता हूँ कि मैं आई हूँ। हेलो मेरा नाम नहीं पता तुम्हें? मेरा नाम बताओ उसे। आप क्या फिल्मों में आते? नहीं तो किसी मुल्क की सरबराह? नहीं भाई क्या हो गया? अरे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा आपका क्या नाम है? ओ इतनी सी बात है, सीमा को बोलो उसकी दोस्त हसीना आई है। आए हाय जैसा नाम वैसा रूप। अच्छा वैसे बगैर मेकअप के मेरा ये हाल है, सोचो अगर मेकअप कर लेती तो क्या होता। ना करें बगैर मेकअप के इतना हुस्न। वैसे एक बात बताएं ये मेकअप क्यों नहीं किया आपने? क्या करूं मेरे कमरे की लाइट खराब है, कोई इलेक्ट्रिशियन ही नहीं मिल रहा था। क्या 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 मेरे होते हुए आप इलेक्ट्रिशियन ढूंढ रही हैं? अच्छा तुम इलेक्ट्रिशियन भी हो? हाँ हाँ मैं इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। यहाँ कुछ भी खराब होता है तो मैं ही ठीक करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले सीमा मैडम के कमरे की ट्यूबलाइट खराब हो गई थी, मुझसे ही ठीक करवाई उन्होंने। अच्छा फिर? फिर तो आप ऐसे हैरान हो के पूछ रही हैं जैसे सीमा मैडम को शेर खा गया। अरे छोटी सी लाइट ही तो थी, ठीक कर दी। अच्छा तो तुम चलो मेरे घर चलो अभी के अभी चलो। देखिये आप इतना जोर दे रही है तो मैं इनकार कर नहीं पा रहा। एक काम करता हूँ मैं सीमा मैडम को बता दूँ। छोड़ो उसे, मैं बता दूंगी उसे, पीछे गली में तो रहती हूँ और तुमने तो कहा है 2 मिनट का काम है। लो 2 मिनट में मैं क्या वापस आ जाऊंगा? फजूल में आपको चाय पानी की जहमत करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं एक कप पी ले ना। चले इतना जोर दे के आप पिलाएंगी तो मैं पी लूंगा, वैसे इतना जोर मत दीजिएगा। क्यों? अब प्याली ना टूट जाए। बहुत फनी है आप। फनी खराबी के लिए किसी फनी आदमी का इंतखाब भी बेहतर रहता है। चले चल जानी। अरे जरीना क्या हो गया है, किसको ढूंढ रही है? ये जानी किधर मर गया है? अरे बाबा हो सकता है किसी काम से बाहर गया हो। भला मैंने तो कहीं नहीं भेजा। अरे जरीना तेरे अलावा भी इस घर में और लोग रहते हैं बाबा। हाँ याद आया, ये बोर्डम ने उसको किधर भेजा होगा। अरे बाबा उसी का मैनेजर है वो। बच्चू बच्चू जाने क्या मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे एक लेटर का पूछना है उससे। लो भला इसको खुद मालूम नहीं हो किधर है। अरे बाबा हो सकता है काम से बाहर गया हो, ऐसी क्या मुसीबत आई हुई है जानी जानी जानी। कहाँ चला गया, बता के जाना चाहिए था ना उसे। अरे बाबा मुझे क्या पता, मुझे क्यों डांट रहे हो बाबा, आए तो उससे पूछ लेना। कहाँ चला, क्या करूँ अब मैं। अरे बेचारा मेरे जानी किधर चला गया। जाने कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।
कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। चलो बैठो, बैठो आराम। ऐसे कौन बिठाता भाई? जरीना, जरीना जरा पंखा लगा दे, इसे हवा लगे। क्या क्या हो गया बाबा, क्या हो गया? पंखे में बिजली होती। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं चला रहा पंखा, तुम डरो नहीं। किसने कहा था भला तुमको जाके खवातीन की लाइटें ठीक करो? वे जरा सा काम के दे दी तो तुम्हारी जान निकले जाती। अब देखा करंट लगा ना। अरे बाबा जरीना, मजाक ना कर बाबा, इसको करंट लगा। अब क्या हुआ है? बच्चू भाई, इसका नाम मत ले। अरे बाबा किसका? जरीना का? नहीं नहीं बच्चू, जरीना का नहीं, करंट का। करंट का नाम ही लेना। देखो जानी, जो होना था वो हो गया, अब तुम डरो नहीं, आराम करो, तुम बिल्कुल ठीक हो, बच गए हो तुम। मैडम बड़ा ही कोई खतरनाक करंट लगा है। खैर मैं आराम करने जा रहा हूँ, अब ऑफिस का काम आप देख लीजिएगा। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं ऑफिस का काम संभालूंगी, बस तुम अपना लैपटॉप मुझे दे दो। अरे लैपटॉप नहीं दूंगा, उसमें बिजली होती है। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं खुद ही ले लूंगी सारा हिसाब किताब, मैं खुद ही चेक कर लूंगी और क्लाइंट की करंट सूरत हाल। सॉरी सॉरी जानी, मैं किसी और लिहाज से कह रही थी। अच्छा ठीक है, मैं जब तक अंदर जाके आराम। हाँ हाँ हाँ, बच्चों ध्यान से, ध्यान से, हाँ आराम से, ध्यान से, ध्यान से। बच्चू आराम से। अरे बाबा पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई है इसे। एक तो भला क्या मसला, सारी बीमारियां हमारे ही घर में आ जाती हैं। वैसे पहली बार ना तुमने बिल्कुल ठीक कहा है जरीना। बातें करनी आती है या कोई घर के काम भी कर सकती हो? अब तो वो अंदर चला गया है, घर के काम कौन करेगा? अरे बाबा जरीना, तू क्या मेरी बीवी से काम कराएगी घर का? आप रहने दे बच्चू, इसका दिमाग तो मैं खुद ही ठीक कर लेती हूँ। हाँ मैं क्यों करूँ घर के काम, इस घर की आधी मालकिन हूँ मैं, समझी? इतना शौक है ना तो खुद करो घर के काम। अरे बाबा अब तुम दोनों लड़ना मत शुरू कर देना, ये सोचो खाना कैसे बनेगा। क्या हो गया बच्चू, अभी ठीक हो जाएगा, आधे घंटे में जानी वो बना लेगा खाना, परेशान मत हो। एक काम करते ना, वो हमारे पड़ोसी नहीं है, खाली दून के लोगों से खाना मंगा लो, हम लोग खा लेंगे। बाबा वो तो लड्डू पे लड्डू हमारे घर से खाता है, उससे क्या खाना मंगाएंगे हम? इतने भूखे लोग हैं हमारे पड़ोस में भी। मेरा ख्याल है कि अब तक तो ठीक हो गया होगा। हाँ बाबा देखते हैं, पूछते हैं। जाने, अरे ओ बाबा जाने। आया आया आया, मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा, ये लाइटें और पंखे बंद करो। लगता है कि इसका डर अभी तक चल रहा है। अच्छा बाबा तुम अंदर नहीं आ सकते हो बाबा, लेकिन खाना तो बना सकते हो। जानी तुम खाना तो बना सकते हो, उसमें कौन सा बिजली इस्तेमाल होनी है? हाँ खाना तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन पहले ये पंखे और ये लाइटें ये बंद करा है। शुक्र है बाबा, ये करंट से मरे ना मरे लेकिन हम भूख से मर जाते हैं। अरे बाबा शुक्र करो खाना बना रहा है। बस अब जल्दी से बना ले, बहुत भूख लगी है, मेरा ब्लड प्रेशर लो गया। अरे बाबा जानी आ जाओ बाबा कुछ लेकर। जानी अब ले भी आओ खाना। नहीं मैं नहीं आ रहा, टीवी चल रहा, मैं नहीं आ रहा। उफ, अब तो ले आओ। अरे बाबा क्या हम अपनी आंखें भी बंद कर ले क्या? अच्छा आ रहा हूँ आ रहा हूँ। कौन आदमी है? बच्ची भाई जरा ये लैंप तो बंद करे। अरे यार ये लो बाबा। अब ठीक है? ये क्या है भला, तुमने क्या हमको जंगली समझा? ये कच्ची सब्जियां खाएंगे क्या? जानी एक बात बताओ मुझे, सब्जी पकाने में कौन सी बिजली इस्तेमाल होती है जो नहीं बनाई तुमने? मैडम पानी। पानी? बाबा क्या हो गया है? ना पानी, खाना बनाते हुए पानी तो डलता है ना, बस खुद सोचे पानी और बिजली। नहीं 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 मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। अरे 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 बाबा इसका कुछ करना पड़ेगा। हाँ मुझे तो लगता है हमें इसे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ अपन लोग ऐसा करते हैं कि इसको चरिया डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। वैसे तुमने आइडिया बहुत अच्छा दिया जरीना, इसके दिल में ना खौफ बैठ गया, इसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा देते हैं। हाँ बाबा जिसको भी दिखाना है उसको दिखा दो बाबा, जो बोला है। हाँ डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा इसको। बाबा डबल रोटी तो खा सकती है, वो भी नहीं सेक के लाया। कोई बात नहीं बाबा ऐसी खा लो, वरना नहीं मिलेगा खाना। मैं तो नहीं खा। जरीना तू खा ले। डाइटिंग कर रही हूँ। चल फिर मैं भी कर ही लेता हूँ डाइटिंग। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।
आप में से डॉक्टर कौन है? डॉक्टर मैं हूँ। ये मेरी असिस्टेंट नंबर वन और ये असिस्टेंट नंबर टू। वाह 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 वाह! ये क्या था? इसका बाप बहुत जालिम था, इसकी माँ पे बहुत जुल्म किया करता था, इसे भी बहुत मारा कूटा करता था, इसीलिए इसके दिल में उसका बहुत खौफ है। जैसे इसके सामने कोई बाबा, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। जैसे इसके सामने बेलिप्पा बेलिप्पा कोई बोले ना, इसे उस लफ्ज का फोबिया है। समझ गए ना आप? क्या बकवास है बाबा। अच्छा अच्छा साईं 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 माजरत, वो तो चीख रहा है, समझ आती है, आप क्यों चीख रहे हो? अरे मुझे चीखों का फोबिया है, जैसे मेरे सामने कोई चीखता है मेरी भी चीख निकल आती है। खैर उसको छोड़े, आप पेशेंट का पेशेंट को बुलाए। अल्लाह ही खैर करे। जानी अब ये क्या था? इसको मोहब्बत में धोखा हुआ। इसके सामने जैसे इस किस्म का कोई लफ्ज बोले, जैसे महबूब, देखा आपने, जैसे इस किस्म का लफ्ज इसके सामने कोई बोले, इसे खौफ तारी हो जाता है। ये भी एक किस्म का फोबिया है। ये है वो मेरा मतलब है वो जिसका नाम बताया था ना आपको। अच्छा, जो ये है जिसे, ये बताओ बेटा तुम्हें करंट कैसे लगा? अरे डॉक्टर आपको बताया था ना ये इस लफ्ज से डरता है। सॉरी मैं भूल गया था। ये सब क्या चल रहा है? ये डॉक्टर है, तुम्हारा खौफ दूर करने आया है। खुदा को माने मैडम, खुदा को माने, ये तो खुद चीख रहे। देखो बेटा, किसी की कमी का मजाक नहीं उड़ाते, दरअसल दूसरों का खौफ दूर करते करते मुझ में चीखों का खौफ आ गया। क्या छोड़ो इस बात को। ये बताओ खौफजदा लड़के, भाई बात सुन, मेरा नाम खौफजदा लड़का नहीं है, मैं जानी हूँ। क्या बकवास है बाबा! अरे मैं जा रहा हूँ यहाँ से, पागल है सारे। बच्चू, अरे बात बताएं, आप शुरू से ऐसे हैं या इस घर में आके ऐसे हुए हैं? पता, ये बहुत लंबी कहानी, किसी वक्त फुर्सत में सुनाऊंगा तुम्हें। मिट्टी डालें, मिट्टी डालें। मिट्टी? कौन सी मिट्टी? कहाँ है मिट्टी? मुझे बताओ, मैं लेकर आता हूँ। फिर तो मेरे से भी दुआ आगे। देखो मैं तुम्हें सारी बात समझाता हूँ, बड़ा आसान है इन चीजों से निकलना। अरे वाह, इलाज हो रहा है जानी का। अरे ये क्या है बाबा? अरे क्या हो गया? देखे प्लीज प्लीज आप ये दो लफ्ज ना बोले, इन दोनों को प्रॉब्लम है इन लफ्जों से। तो बा, मेरे को लग रहा है कि मेरे घर में ही तुम सब लोग मेरे को मिलके पागल करके बाढ़ में जाओ तुम लोग। तुम मेरी बात सुनो। देखो अब मैं तारों को हाथ लगाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। आओ इधर, ये देखो, ये देखो, कुछ हुआ नहीं हुआ ना? ये देखो, कुछ हुआ नहीं हुआ ना? तुम हाथ लगाओ, देखो देखो, आराम से बिल्कुल। कुछ होगा तो नहीं ना? अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। क्या था ये? अरे आप बाबा, आप लोगों को करंट लग गया। इसका नाम ले लो। पंखा बंद कर दे प्लीज, लाइटें भी बंद कर दे यार। अरे चुप कर, अब नहीं हम लोग जा रहे। अरे ऐसे कैसे, जाने को कौन होश में लाएगा? अरे वाह 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 वाह, ये जाने के नाम पे चीख ही नहीं है, करंट है। मेरा चीखों वाला फोबिया में खत्म हो गया। लेकिन इसकी बिजली का धोपिया बला कौन निकालेगा? हाँ बाबा, आप पहले हमारे जानी को होश में लाओ। पानी डालो, पानी डालो। नहीं नहीं, पानी पानी नहीं, मत चलो मत चलो। अरे अरे अरे, अरे इसको अरे, कौन होश में लाएगा? अरे बाबा क्या हो, अरे ये सब क्या था? अरे बाबा लगता है इसको फिर से करंट लग गया है। किसको? मुझको? बोलो कहाँ गए? अरे इसको करंट के नाम पे डर नहीं लगा? अरे मैडम, करंट के नाम से कौन डरता है? मुझे ऐसा लगता है कि पिछली दफा जब मुझे करंट लगा था ना, तो मेरा ये फोबिया खत्म हो गया। अरे कमाल हो गया है, इसका फोबिया उनके अंदर चला गया है। वाह बाबा वाह, ये लजमत बोले, इसको मुझे पता है कि वो खौफ आ रहा है। नो भाई, उनके फोबिये तुम्हारे अंदर आ गए जानी। आ!
अरे बच्चू भाई ये क्या हो है, है, अंदर गई क्या? हेलो बच्चू भाई, बच्चू भाई, बच्चू भाई, बच्चू भाई क्यों लगता गले में फंस गई? बच्चू भाई जरीना, अरे क्या है भला, कहाँ है सिटी? सिटी कौन सी सिटी? जो तुम बजा रही होती देश है, अदा तुम इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, इसके दिमाग में सीटियां बज रही हैं। पल के रहने दो, ऐसे ही मर जाए। बच्चू भाई सीटियां आ बजाते हैं, प्रेशर कुकर पे मैं समझता हूँ खाना रेडी हो गया, दो दफा कच्चा खाना उतारा मैंने चूल्हे से। इसका क्या करना है? अरे अदा कह रहा है कि नंबर मिला के दो, इसने उसको सीटियां सुनानी है, सीटियां है ना? मान जाए ना प्लीज, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हाँ दा मान जाए ना, डॉक्टर पागल है, जरूरी तो नहीं है कि पेशेंट से भी पागल हो। हैं जरीना, पागल आदमी डॉक्टर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब डॉक्टर पागल हो सकता तो पागल डॉक्टर क्यों नहीं हो सकता? इम्प्रोवाइज नहीं मतलब क्या है वट्टा सट्टा, वो जाकर भी अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा।